देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 15 महीनों से जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही, जहां देश और दुनिया के लोग इसलिए आते हैं कि ये प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है, कानून व्यवस्था यहां पर अच्छी है, बेखौफ हम घूम सकते हैं, सुरक्षा का एक भाव है, आज उस देवभूमि में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, जो देवभूमि की कानून व्यवस्था की वर्तमान सरकार की अगुवाई में जो चल रही है, वो सारी व्यवस्थाएं किस तरह से तार तार हुई पड़ी हैं, इस बात का नजारा आप सबके सामने एक नहीं अनेकों घटनाओं से अभी तक जाहिर हो चुका है। आज विशेष तौर से मैं आप सबके बीच में अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई है पालमपुर में, पालमपुर धर्मशाला, ये हमारा एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां दुनिया का टूरिस्ट घूमने आता है, आनंद के साथ यहां पर रहता है, और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की जब घटनाएं घटित होती हैं, जब वो मीडिया में प्रकाशित होती है, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी प्रभावित होती है, और आम व्यक्ति के जीवन में एक दहशत का एक वातावरण भी इसमें उत्पन्न होता है। एक बेटी शाइना जो एमए की पढ़ाई कर रही है, कॉलेज से घर वापिस जा रही थी, बस स्टैंड पे खड़ी होकर के बस का इंतजार कर रही थी, और एक युवक आता है द्राट ले करके और अंधाधुंध उनके ऊपर दहशाना हरकत करते हुए लगभग 10 से भी ज्यादा बार दराट से किए, खून से लथपथ वो बेटी शाइना चीख पुकार करती रही, मदद के लिए वहां पर आवाज लगाती रही। और ये घटना जहां घटित हुई है, जो मुझे जानकारी मिली है, वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है। पुलिस वालों ने आरोपी को पकड़ा, आरोपी को तो ले गए, लेकिन जिस बेटी पर हमला हुआ था वो चीख पुकार के बीच में वहीं रही। प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी, मानवता भी यही बोलती है कि आरोपी को पकड़ना भी आवश्यक है, ये भी बात सत्य है, लेकिन ये भी प्राथमिकता रहनी चाहिए थी जिस बेटी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, उस बेटी को सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेवारी भी उनकी थी, जिस जिम्मेवारी से वो चूक गए। वहां अन्य लोगों ने उस बेटी को वहां से जाकर के उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया, और मैं इस घटना की निंदा करता हूं, और पूरा देवभूमि हिमाचल प्रदेश इस सारी घटना से शर्मसार हुआ है, पूरा दहशत का एक माहौल है। और ये घटना घटित होने के पश्चात वो बेटी यहां से अब चंडीगढ़ उपचाराधीन है। आज मेरी उनकी बहन से, मीनू से और उनके पिता से बात हुई, और बात हुई, सबके सब लोग दहशत के एक माहौल में, परिवार के लोग, और बेटी की स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और मुझे बताया कि ब्लड लॉस इस कदर हुआ है कि अभी तक भी उनको ब्लड चढ़ाया जा रहा है ताकि
किसी तरह से बेटी की जान बचाई जा सके। बहुत विचित्र लगा इस घटना से सुनकर के, और इसका जो जो वीडियो वायरल हुआ है वो भी बहुत देखने लायक नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटना का यह क्रम सिलसिलेवार जो है कई वक्त से 15 महीने की जो हिमाचल प्रदेश में जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सरकार का जिक्र हो रहा है, सुख की सरकार का जिक्र हो रहा है, उसमें एक नहीं अनेकों घटनाएं देखने को मिली। और मैं इसी तरह से देख रहा था कि यहीं आपके ही नजदीक सुला के अंतर जो है रजूम गदियाड़ा जो एक जगह है वहां 50 वर्षीय कुसुम देवी, कुसुम नाम था, कुसुम देवी, और उसकी भी हत्या हो गई। पेपर काटने का एक ब्लेड होता है, उस ब्लेड से उनका गला दे दिया। और ऐसी घटनाएं घटित होने के पश्चात आज मैं देख रहा था, और आज की पिछले कल की जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी के अंतर्गत जो है वहां 2 गुटों में झड़प हो गई, हवाई फायरिंग हुई और लगभग 10 लोग उस फायरिंग में घायल हुए पड़े। एक दहशत का माहौल वहां पर भी। और इसी प्रकार से नहीं, मैं और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकता हूं। सरकार बनने के बाद एक घटना चंबा जिला के अंतर्गत होती है, एक नौजवान को दरार से काट करके उसके 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसकी लाश को टुकड़ों को इकट्ठा करने के बाद बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया जाता है। शिमला के माल रोड पर रात को पुलिस का जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम के सामने हत्या होती है। जिसको हम टोका बोलते हैं, जो काटने का एक वो होता है, उससे एक युवक को काट करके उसकी हत्या हो जाती है। शिमला के रिज के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं के ऊपर एनएसयू यूथ कांग्रेस के लोगों का आशियाना में हमला होता है, जब वो पत्रकार वार्ता के लिए वहां पर पहुंचते हैं। शिमला की माल रोड के में एक ब्लास्ट होता है, उसमें एक व्यक्ति की जिंदगी चले जाती है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को छुपा करके रखा हुआ, दबा करके रखा है। उन्होंने कहा कि वो गैस के सिलेंडर से हुई है, लेकिन मालूम पड़ा है कि जो रिपोर्ट आई है, एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक वो गैस के सिलेंडर से नहीं, आरडीएक्स की एक्सप्लोजिव उसमें इस्तेमाल हुआ है। और इस प्रकार की घटनाओं को हम हर रोज देख रहे हैं, चाहे वो प्रदेश में बलात्कार की घटना है। पिछले 15 महीने के कार्यकाल में उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है जितनी बढ़ोतरी शायद आज से पहले कभी नहीं। ड्रग माफिया इतना ज्यादा सक्रिय है, सरकार का ध्यान ही नहीं उस तरह से। हमारी नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, उसके बावजूद उस ड्रग माफिया को पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की घटनाएं आज हम कई दिनों से ऐसे देख रहे हैं कि इतना देखने को मिल रही है, ना सुनने के लिए कहीं कार्रवाई हुई हो।
और हिमाचल प्रदेश में सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बहुत सारी बातों का जिक्र कर रही है। आपके जो यहाँ मंडी जिला के अंतर्गत एक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को कुडी लगा करके कमरे में कई घंटे तक बंद करके रखा कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि टेंडर इसको देना है इसको नहीं देना है। और इस प्रकार की घटनाओं से एक बात जाहिर होती है कि ये सब जो है जो हिमाचल देवभूमि में जो घटित हो रहा है इसकी तरफ वर्तमान सरकार का ध्यान ही नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सरकार बचाने में लगी है। सत्ता कैसे बनी रहे सत्ता कैसे कायम रहे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरा ध्यान लगा है। और आलम यह है कि पूरा सरकार का तंत्र विधायकों के फोन टेपिंग में लगा हुआ फोन की रिकॉर्डिंग लो विधायक कहां के लोकेशन लो। और हैरानी की बात तो यह है कि कुछ विधायकों पर भरोसा ना होने के कारण जेड प्लस सिक्योरिटी की से भी ज्यादा उनको जो है वो सिक्योरिटी का कवर दे रखा हुआ 20-20 कमांडो दे के रखे हुए। जब सारा पुलिस तंत्र ऐसी चीजों में उलझा हुआ है उलझा करके रखा हुआ है विपक्ष के विधायकों के फोन टैप करना विपक्ष के विधायक कहां गए उनकी लोकेशन को लोकेट करना उनकी अपनी पार्टी के विधायक कहां गए उनकी लोकेशन लेना एक एक विधायक के साथ 20-20 कमांडो लगा करके रखे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के जो समाज विरोधी जो एलिमेंट हैं चाहे वो नशे के कारोबार करते हैं चाहे वो गुंडागर्दी करते हैं चाहे वो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां करते हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं है सरकार का। वर्तमान जो हालात हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से बने हैं ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये हकीकत भी है कि आज के इस दौर में अगर हम देखें सरकार है कहां किस बात की सरकार है बहुमत खो चुकी है नजरों से गिर चुकी है उसके बावजूद भी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो घटना घटित हुई है पालमपुर में इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने वरिष्ठ नेता हमारे विपिन परमार जी की अध्यक्षता में और यहां मंच पर बैठा सारा जो ये नेतृत्व जो है कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को एक मेमोरेंडम भी दिया है और राज्यपाल महोदय जी को खासतौर से ऐसी परिस्थिति से अवगत करवाया है एसडीएम पालमपुर के माध्यम से उस मेमोरेंडम के माध्यम से उस ज्ञापन के माध्यम से इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। और हिमाचल प्रदेश सरकार सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए कुर्सी को बचाने के लिए काम कर रही है आम आदमी की जिंदगी के साथ उसका कोई सरोकार नहीं रहा। और ऐसे में सरकार को प्रदेश में कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए
जो आवश्यक कार्यवाही आपके माध्यम से की जा सकती है उस आवश्यक कार्यवाही को किया जाए, ऐसा आग्रह भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल के माध्यम से, जिसकी अध्यक्षता, जिसका नेतृत्व हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार जी ने किया। मैं यही कहूंगा कि ये बहुत दुखद परिस्थिति है। हम इसके बाद परिवारजनों को भी मिलने के लिए उनके घर जा रहे हैं। हमारी पूरी संवेदनाएं हैं और निश्चित रूप से हम इस बात को कहना चाह रहे हैं, जो उस बेटी की पिता से मेरी बात हुई उसमें हमने यही कहा है कि जो भी हमसे हो सकता है मदद के रूप में, निश्चित रूप से उसमें मदद करेंगे। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। मैंने अपनी बात कही है और विषय बहुत बड़ा स्पेसिफिक है और इस विषय पर मैंने जो कहना था अपनी बात को पूरा किया है। धन्यवाद। जो प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है, आप मानते हैं कि एक बड़ा कारक है जिस पर शासन की पकड़ प्रशासन पर नहीं है और असामाजिक तत्व हावी हो रहे हैं? निश्चित रूप से, जो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार में जो घटनाक्रम चला हुआ है, अस्थिरता का एक माहौल पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बना हुआ है, और इस प्रकार के लोग जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश में सरकार, वो सरकार के जो नेता हैं वो सरकार बचाने में व्यस्त हैं और उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं, और सही बात यह है कि ध्यान है भी नहीं, और इस कारण से इन लोगों को हौसला बढ़ा है। प्रशासन, क्योंकि आजकल चुनाव भी लगे हैं, चुनाव आचार संहिता लगी है, और वैसे भी वो प्रशासन जो है वो सरकार के इस सारे घटनाक्रम से जो है वो एक असमंजस की परिस्थिति में है, और ऐसे में सिर्फ मेरे को इतना ही कहना है कि सरकार का नियंत्रण सारी व्यवस्थाओं पर अब रह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि सरकार अस्थिर है, परंतु आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही नहीं है, और यदि भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 सीटें जीतती तब भी भारतीय जनता पार्टी आंकड़ा नहीं जुटा पाई। देखिए, मुझे आज तो इस बारे में ज्यादा कहना नहीं है, मैं एक ही बात कह रहा हूं, क्या सरकार को इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद, राज्यसभा की सीट हारने के बाद नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का है? ये प्रश्न है। क्या वर्तमान सरकार का बहुमत होने के बावजूद भी बजट पारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके, कमांडो से उनको उठा करके बाहर फेंक करके बजट पारित करना, उसके बाद कोई नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का है? मेरे हिसाब से नहीं है। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में, हम तो ये कह ही नहीं रहे, हम तो एक ही बात कह रहे हैं, ये चुनाव अगर होते हैं, अगर ये चुनाव 6 तो हो ही रहे, 9 चुनाव होते हैं, 9 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कांग्रेस सीधे से अल्पमत में आ जाएगी। और मैं ये भी कहूंगा, मामला 6 CPS का भी चला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसमें क्लियर कट है, संवैधानिक तरीके से व्यवस्था के वो विरोध है, और उस सारी चीज के लिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि मामला विचाराधीन है कोर्ट में, तो इसलिए सरकार बचने की गुंजाइश है कहाँ। हम तो सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि जब बहुमत भारतीय जनता पार्टी का होगा तो सरकार कांग्रेस की नहीं होगी। सभी फैक्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, तो आप मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के पश्चात प्रदेश में भाजपा की सरकार बननी चाहिए? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो नैतिक अधिकार खो चुकी है, नजरों से गिर चुकी है, बहुमत में गिर चुकी है, और जब ये 9 सीटों के चुनाव 6 के जो तय हो गए हैं, 3 के भी अगर 7 में होते हैं,
तो बहुमत में भी गिर जाए। नहीं, कोई विकल्प की इस तरह की बातें आज करने की आवश्यकता नहीं। सुरक्षा की बात की कि एक विधायक के ऊपर 20 कमांडो हमारे चाहे पालमपुर विधानसभा है, 16 विधानसभा क्षेत्र है, कहीं भी लाख से ज्यादा लोगों के लिए 15 से 18 मुलाजिम थाने पे होते हैं और एक आदमी के लिए 20 लोग लगे होते हैं और कुछ बटालियन में है, तो इससे जो ये अपराध है बढ़ रहा है, उन लोगों को विधायकों की सुरक्षा से छोड़ के जनता की सुरक्षा में क्यों लगाते हैं? निश्चित रूप से मैं इस बात को पहले कह चुका हूँ, विधायकों की सुरक्षा के लिए 20 कमांडो की आवश्यकता नहीं है। और विधायक के सरकारी निवास शिमला में वहां पर भी गाद लगी है और उनके जो जहां निजी निवास गांव में है वहां पर भी गाद लगी है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत दुरुपयोग है। किसी व्यक्ति को कोई खतरा नहीं, अगर कोई उनको कोई जीवन के लिए कोई थ्रेट होता है, कोई जिंदगी के लिए कोई थ्रेट होता है तो समझ में आती बात, लेकिन ये तमाशा ही बना है हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस जो बाकी नेता को भाजपा में शामिल किया है इसकी जगह भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग पूरे देश भर में आए हैं, अभी भी आ रहे हैं। अभी ताजा ही घटना परसों की है कि तेजिंदर सिंह बिट्टू जो कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के शायद सह प्रभारी थे, वो भी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो आना चाहता है ठीक प्रकार से और पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि इनको पार्टी में शामिल करना है तो शामिल करने के लिए उन सबका अभिनंदन है जो आ रहे हैं। लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी के लोग उनके प्रति पार्टी का एक बड़ा सीधा सा कहना है, उनका सम्मान उनके साथ साथ में उनके लिए आने वाले समय में पार्टी में एक नहीं अनेकों चीजें हैं जिन बातों को लेकर के सब हम जो है विचार करें। 400 सीटों को लेकर एक ताली कसा गया है कांग्रेस की तरफ से, सुक्खू जी ने कहा है कि 400 सीटों का सपना देख रही है भाजपा और ऐसा उन्हें लग रहा है कि उनके पास 400 कैंडिडेट भी नहीं है और ये एक दिखावा है। देखिए, हरकत में कुछ नहीं कहना, सुक्खू जी के बारे में कुछ कहना ही उचित नहीं है। वो बहुत ऐसी परिस्थिति के दौर में से गुजर रहे हैं और किसी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की घटना घटित होती है जो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ है तो स्वाभाविक रूप से वो विचलित हैं और इसलिए कुछ भी कहते हैं, कहीं भी कुछ कह देते हैं, तो इसलिए उनका उनकी बातों को अब आप इस तरह से लेने की आवश्यकता है। सवाल ये है, सुबह मुख्यमंत्री उस परिवार से मिलते हैं, अभी थोड़ी देर में आप जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मानवीय संवेदनाओं का ये मसला, क्योंकि आचार संहिता भी लगी है, चुनाव आने हैं, राजनीतिक मसला बन जाएगा? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मुख्यमंत्री जी मिले हैं नहीं मिले हैं, मुझे वो सारी चीज से कोई लग रही, हम मिलेंगे। और वो कहाँ मिले हैं? और कहाँ मिले हैं मुझे मालूम नहीं है, कहाँ मिले हैं और जानकारियाँ लेनी चाहिए। सड़क पर मिले हैं कहीं, हम घर जाके मिले, नेशनल हाईवे पे मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, अब की बार बहुत अंतर है, बहुत इस तरह की परिस्थिति नहीं है। और राजनीति में कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है, कुछ चीजें इस तरह से होती है, वो निर्णय पार्टी का नेतृत्व आकलन करने के बाद लेता है, निर्णय लिए गए हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहे शांता कुमार जी है, महेश्वर सिंह जी हैं, चाहे वो और हैं, सबसे बातचीत हो चुकी है, सब पार्टी की जीत के लिए काम कर रहे हैं। कैप्टन साहब से भी बातचीत हुई है, धूमल जी की बात हुई, हमारे पार्टी के अन्य नेताओं की बात हुई, सब ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच।